गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेखा शर्मा आपकी बीएससी पार्ट टू ऑनर्स सेमेस्टर फर्स्ट पेपर टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। आज के इस लेक्चर में जिन टॉपिक्स को मैं डिस्कस करूँगी वो हैं क्लीमेंसन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। क्लीमेंसन रिडक्शन या क्लीमेंसन अपचयन, इस विधि में कार्बोनिल कंपाउंड्स विशेषकर कीटोनों का रिडक्शन अमलगमित जिंक यानी जिंक और मरकरी के मिक्सचर और कंसंट्रेटेड HCl के द्वारा एल्केनों में किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम नॉर्मल पेंटिल फिनाइल कीटोन का रिडक्शन जिंक मरकरी और कंसंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में करें तो इसका कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस होकर CH2 बन जाता है और हमें प्रोडक्ट के रूप में 1-फेनिल हेक्सेन प्राप्त होता है। यह विधि एल्डिहाइड्स के लिए अधिक उपयुक्त नहीं है क्योंकि कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में एल्डिहाइड्स का बहुलकीकरण या पॉलीमराइजेशन हो जाता है, क्योंकि बेंजिल्डिहाइड कंसंट्रेटेड HCl से रिएक्शन नहीं करता, अतः ये टॉल्यून के अंदर रिड्यूस हो जाता है। अगर हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखें तो यह रिएक्शन अम्लीय माध्यम में होती है एसिडिक कंडीशंस में, और इस रिडक्शन रिएक्शन में एक प्रोटोनीकृत स्पीशीज भाग लेती है जो कि मेटल से इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त करती है। तो सबसे पहले कीटोन प्रोटोनेशन द्वारा एक प्रोटोनीकृत स्पीशीज बनाता है जो कि एक कार्बोकैटायन के अंदर इंटर कन्वर्ट हो जाती है। ये कार्बोकैटायन जिंक मेटल से 2 इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त करता है और एक कार्बिनायन के अंदर परिवर्तित हो जाता है। इसके पश्चात ये कार्बिनायन स्पीशीज 2 प्रोटॉन लेकर एक अन्य स्पीशीज एक्स बनाती है जो जल का एक अणु खोकर यानी डिहाइड्रेशन के द्वारा एक अन्य कार्बोकैटायन वाई बनाता है। ये कार्बोकैटायन वाई पुनः जिंक मेटल से 2 इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त करके एक अन्य कार्बिनायन जेड बनाता है जो प्रोटोनेशन द्वारा एल्केन के अंदर परिवर्तित हो जाता है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड्स इजीली संगत अम्लों के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं जबकि कीटोन्स आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होते, अतः इस रिएक्शन के द्वारा एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है या इन दोनों को आसानी से पहचाना जा सकता है। ऑक्सीडेशन में काम आने वाले विभिन्न ऑक्सीकारक अभिकर्मक यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स निम्न प्रकार हैं: एसिडिक डाइक्रोमेट यानी K2Cr27 और सल्फ्यूरिक एसिड, या एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 और सल्फ्यूरिक एसिड। एक अन्य महत्वपूर्ण रिएजेंट है टॉलन रिएजेंट जो कि अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन होता है। इसमें मुख्यतः सिल्वर अमोनिया आयन यानी AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस या सिल्वर ऑक्साइड प्रेजेंट होता है। अविलेय सिल्वर ऑक्साइड को प्रेसिपिटेट होने से रोकने के लिए एक बेसिक मीडियम की आवश्यकता होती है, अतः कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट या संकुल अभिकर्मक अमोनिया का इस रिएक्शन के अंदर उपयोग किया जाता है। टॉलन रिएजेंट के साथ एल्डिहाइड्स रजत दर्पण या सिल्वर मिलर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एल्डिहाइड की रिएक्शन हम टॉलन रिएजेंट से कराएं तो एल्डिहाइड एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है और Ag2O रिड्यूस होकर सिल्वर मिरर बना देता है। इस अभिक्रिया का उपयोग यह है कि इसके द्वारा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड से अनसैचुरेटेड एसिड्स इजीली प्राप्त किए जा सकते हैं, क्योंकि यह रिएजेंट C-C पर अटैक नहीं करता यानी C-C इसमें इंटैक्ट रहता है। फॉर एग्जांपल, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड यानी क्रोटन एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन टॉलेंस रिएजेंट से कराने पर हमें प्रोडक्ट के रूप में एक अनसैचुरेटेड एसिड या क्रोटोनिक एसिड प्राप्त होता है।
एक अन्य महत्वपूर्ण रिएजेंट है फेलिंग विलयन, जिसके द्वारा हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फेलिंग विलयन दो विलयनों का मिश्रण होता है। फेलिंग विलयन ए जलीय कॉपर सल्फेट विलयन होता है, जबकि फेलिंग विलयन बी NaOH और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसे कॉमनली हम रोशेल सॉल्ट कहते हैं, का मिक्सचर होता है। इन दोनों सॉल्यूशंस को मिलाने पर एक गहरा नीला रंग प्राप्त होता है। ऑक्सीडेशन के दौरान क्यूप्रिक आयन्स का रिडक्शन क्यूप्रस आयनों के अंदर होता है, जो कि लाल क्यूप्रस ऑक्साइड के रूप में प्रेसिपिटेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एल्डिहाइड की रिएक्शन CuO से कराने पर एल्डिहाइड एसिड के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाता है और CuO क्यूप्रस ऑक्साइड के अंदर रिड्यूस होकर एक रेड प्रेसिपिटेट देता है। बेनेडिक्ट विलयन कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट का मिक्सचर होता है, और इसके साथ गर्म करने पर भी एल्डिहाइड्स क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल भूरा प्रेसिपिटेट बनाते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, कीटोनों का ऑक्सीकरण आसानी से नहीं होता, किंतु यदि क्रोमिक एसिड या नाइट्रिक एसिड जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ रिएक्शन करवाई जाए तो CO समूह के दोनों ओर के CC बॉन्ड्स में से किसी एक का विदलन या क्लीवेज पोपोफ के नियमानुसार होता है और हमें एक कम कार्बन एटम वाला एसिड प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एसीटोन का ऑक्सीडेशन क्रोमिक एसिड या नाइट्रिक एसिड से कराएं तो हमें प्रोडक्ट के रूप में एसिटिक एसिड CO2 और वाटर प्राप्त होंगे। पोपोफ का नियम या पोपोफ्स रूल, इसके अनुसार एक अनसिमेट्रिकल कीटोन के अंदर CO समूह के उस तरफ का कार्बन CO बॉन्ड टूटता है जिधर अल्फा हाइड्रोजन्स एटम्स की संख्या कम हो। फॉर एग्जांपल, ब्यूटेनॉन में कार्बोनिल ग्रुप के एक और मिथाइल ग्रुप और एक और CH2 ग्रुप है, जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है, तो जो बॉन्ड का क्लीवेज है वो CO और CH2 ग्रुप के बीच में होगा और हमें प्रोडक्ट के रूप में दो मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड प्राप्त होंगे। यदि CO समूह के दोनों ओर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या समान हो तो CO ग्रुप मुख्य रूप से उस एल्किल समूह के साथ जुड़ा रहेगा जिस पर कि कार्बन परमाणु कम हो। फॉर एग्जाम्पल, 3-hexanone का ऑक्सीडेशन क्रोमिक एसिड से कराने पर जो CO ग्रुप है वो कम कार्बन परमाणु वाले यानी 2 कार्बन परमाणु वाले इथाइल ग्रुप के साथ जुड़ा होगा, ना कि 3 कार्बन परमाणु वाले प्रोपिल ग्रुप के साथ, और हमें प्रोडक्ट के रूप में 2 मॉलिक्यूल्स प्रोपियोनिक एसिड प्राप्त होंगे और बॉन्ड का जो क्लीवेज है वो इस डॉटेड लाइन के अनुसार होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण अभिकर्मक है सिलीनियम ऑक्साइड, जो कि कीटोन्स के ऑक्सीडेशन में काम आता है। इसके द्वारा ऑक्सीडेशन कराने से CO ग्रुप का निकटवर्ती CH2 यानी मैथिलीन और CH3 या मैथिल समूह ऑक्सीकृत हो जाता है और हमें डाईकार्बोनिल कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जांपल, एसिट एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन अगर सिलीनियम ऑक्साइड से कराया जाए तो CO ग्रुप के पास वाला CH2 ग्रुप ऑक्सीडाइज होकर CO ग्रुप में कन्वर्ट जाता है और हमें प्रोडक्ट के रूप में ग्लाइऑक्सिल प्राप्त होता है। इसी प्रकार ब्यूटेनॉन का ऑक्सीडेशन कराने पर ब्यूटेन डाइओन प्राप्त होगा। साइक्लोहेक्सेनॉन, इसका ऑक्सीडेशन सिलीनियम ऑक्साइड से कराने पर पास वाला CH2 ग्रुप ऑक्सीडाइज होकर साइक्लोहेक्सेन डाइओन प्राप्त होगा। थैंक यू।